अपना जप कर लिया, 11 बार कर लिया, 21 बार कर लिया, ऐसे ही मन में प्रणाम करके। जब भी कोई आप जप करो दरबार का सिखाया गया, कोई ध्यान करो, तो सबसे पहले अपने गुरु का, पूर्ण गुरु का, बाबा का और माँ का ध्यान जरूर करो। उनको धन्यवाद दो कि आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हम जप करके और स्वयं को जानने का प्रयास कर पा रहे हैं, आपकी कृपा से संभव हुआ। तो धन्यवाद करते हुए शुरुआत करें भगवान भोलेनाथ माता का मखक प्रणाम करके अपना जप शुरू, और जब समापन करें तो भी ऐसे ही बाबा माता को धन्यवाद करते हुए भगवान भोलेनाथ माता का मख्या को प्रणाम करते हुए और उसका समापन करें। इसको हमेशा ध्यान रखें, ये शुरू में आखिरी में जरूर करें तो बहुत अच्छा रहता, मन पवित्र रहता है, कृतज्ञता के भाव बने रहते हैं अंदर। जैसे विश्वास का एक भाव होता है तो कृतज्ञता एक। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय।